विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए मतदान कार्मिकों का पहले चरण का प्रशिक्षण राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में प्रारंभ हुआ, जिसके संबंध में जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रथम चरण का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है तथा मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण संपन्न किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मतदान कार्मिकों को कमरों में बुलाकर अच्छी सामग्री का वितरण हो रहा है तथा प्रोजेक्टर के माध्यम से कार्मिकों को हैंड जॉब ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिससे कि चुनाव को अच्छी तरह से संपन्न कराया जा सके और सभी अधिकारियों की उपलब्धता अनिवार्य की गई है और प्रयास है कि कार्मिकों के सभी प्रश्न का उत्तर दिया जाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में अच्छा कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित भी किया जाएगा, जिससे कि सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का मनोबल बढ़े, जिससे कि निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। वहीं इस संबंध में CDO इंद्रजीत सिंह ने बताया कि मतदान कार्मिकों को मास्टर ट्रेनर के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सभी कार्मिकों को EVM मशीन के संचालन की विस्तृत जानकारी दी जा रही है, जो कि 10 दिनों तक चलेगा, जिसमें 30,000 से ज्यादा कार्मिकों को अलग अलग दिन ट्रेनिंग दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO इंद्रजीत सिंह एवं जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, ठीक है, जिसको रेडी लैंप उनको बोलते हैं, और इधर आपका ये नंबर निकाल आता है। सपोज करिए, मान लीजिए कि आपके कैंडिडेटों की संख्या इसमें एक बैरिकेड में 16 तक का ही क्षमता इसकी है, अगर 16 वाले 17 हो गए तो आपके एक नंबर लिखा होगा। तो ये बहुत विशेष ध्यान देने वाली चीज है कि अगर आप सिंगल, सपोज करिए कि आपके कैंडिडेट जो है इसके मतलब 16 के भीतर ही है, मतलब इनकी संख्या 16 से ज्यादा नहीं है, तो आपको ये एक बैलेट पेपर दिया जाएगा और इसमें एक 01 लिखा होगा, ये आप देख लीजिए 01 एंश्योर कर लीजिएगा, मतलब 01 अगर नहीं लिखा है, 02 लिखा है या कुछ और संख्या लिखी है, तो उस कंडीशन में तुरंत आपको जो है डिफरेंस कर देना है, ठीक है ना। इसको 02 लिख दिया जाएगा, ये लिखा होगा तो वो फिर वो सेटिंग गड़बड़ा जाएगी मशीन, मतलब उसका जो एक सिस्टम बना हुआ है कि अगर एक है तो 01 रहेगा, ठीक है। तो नामांकन वगैरह हो जाएगा जब सेकंड प्रशिक्षण में आएंगे, तो चूंकि वो डिसाइड हो जाता है कितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो आप लोग मतलब परफेक्टली, जैसे ये है इंटरकनेक्टिंग केबल, ठीक है, ये देखिए केबल जो है, इस केबल में जो है आपका एक तरफ रेड और एक तरफ ब्लैक, ठीक है, ये देखिए इसकी ये दबाने पे दबता है हल्का सा, ये मतलब आप लोग प्रेस करेंगे एक बार इसको देख लीजिए, तब फिर से पॉइंट पर करा दीजिएगा आप लोग, देखिए मेरे साथ साथ ठीक है। ये जो है ये आपका ब्लैक और ये रेड आपको दिख गया। अब ये जो हमारा बैलेट के लिए है, इसकी केवल इतनी पर्याप्त लंबी रहती है, मतलब जो है हम इसको मतलब जो हमारा अगल बगल ही रहता है, ये जो आपका कंपार्टमेंट होगा जहाँ पे वोटर वोट डालेगा, ये उस कंपार्टमेंट में हम बैलेट यूनिट और वीवीपैट को रखेंगे, ठीक है। और इसको हमको मार्क पोल, जो मार्क पोल हम कराएंगे, तो मार्क पोल के दौरान ही ये सारी व्यवस्थाएं हमको अरेंजमेंट कर देना है, ठीक है। ये हमारा रहेगा बैलेट यूनिट और वीवीपैट, बैलेट राइट साइड में रहेगा और वीवीपैट आपका लेफ्ट साइड में रहेगा, ठीक है। जो पोजीशन आपकी होगी वो घिरा हुआ मिलेगा आपको। अब इसके केबल को हम इसमें वीवीपैट से जोड़ेंगे, इसमें जो है इसकी जो एक नाप देख रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नाप पोजीशन का मतलब हो गया आपका कि ये लॉक है, ठीक है। इसको आपको अनलॉक पोजीशन में लाना है तब ये मशीन वर्क करेगा। इसके लिए इसको हम घुमा देंगे, इसे ये खड़ा हो गया मतलब कि ये वर्क के लिए तैयार हो गया, ठीक है। ये ध्यान देना, सपोज करिए कि सब कुछ आपने किया, ये ऐसे ही रह गया तो फिर वो दिक्कत होगी, फिर उस समय फिर परेशानी सबके लिए, तो इसको तो रट लेना है। ये आपको क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर कर देना है, वर्टिकल कर देना है, अब यहाँ वर्किंग मोड में आ गए, ठीक है। अब इसी में कनेक्शन हम करेंगे, तो देखिए इसमें जो है पीछे आपको खुले वीवीपैट दिख जाएगा, आप सब आप रहेगा, मतलब आप सिर्फ CU से ही होता है, खट से आवाज हुआ ना, खट से निकलेगा,
ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका प्रॉपर तरीके से लग गया। फिर हाँ, निकालने के लिए भाई कुछ पॉइंट्स हैं आपके, जो हिसाब से आप प्रेस करेंगे आप लोग ऐसे कितने को लेंगे, ठीक है। अब हमारा जो है वीवीपैट का केवल जोड़ेंगे सील से, केवल को पकड़िए और ये आपका ये जो बटन है ये आप मोड में आपका नीचे जब रहेगा तो आप मोड में रहेगा, ठीक है। ये ऐसा लगेगा, देखिए आसान रहेगा, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। यूट्यूब आपकी बुकलेट हर जगह एक्सप्लेन किया होगा, अपने हाथों से शॉर्ट नोट्स बना दिए वन पेजर। अभी ब्रजेश आपको एक क्वेश्चन भी देगा, ब्रजेश ने भी बताया उसने बहुत मेहनत की है, ब्रजेश ने 57 क्वेश्चन होंगे, उसको अगर सिंसियरली सॉल्व करने को याद करने के तो आपका कहीं समस्या नहीं। अभी डीएम सर भी आ रहे हैं, आपको ब्रीफ भी करेंगे, ब्रेक्स को ले लीजिए। वो इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि उनको अगर आप अंधेरे में भी छोड़ दोगे जहाँ की कोई लाइन नहीं है तब भी वो अप्लाई करेंगे। जैसे आप देखिए फौज के बंदों को देखिए, कहीं भी जाइए उनकी ब्रेथ सेट होती है, जीन सेट हो जाती है, उसका एक ही कारण है प्रैक्टिस। कोई डाउट आता है तो अभी से क्लियर कर लीजिए ताकि इलेक्शन के दिन हमको कोई कठिनाई आपको ना हो। आपस में टीम बनाने के लिए पहले से तैयार होना चाहिए, काफी लोगों ने पहले किया होगा लेकिन काफी नई चीजें हैं उसको आपको अंगीकृत भी करना है। कोई घटना हो गई तुरंत पूरी खनान पहुंच जाए, आपको वहां पे अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर, अपने एसओ और वहां पे सभी के साथ सामंजस्य बनाना सीखना पड़ेगा। केंद्र सुरक्षा बल तैनात होगा, जनपद की पुलिस को तैनात होगी, बहुत सारे मोबाइल टीम तैनात होंगी, यूआरटी टीम रहेगी। आप जानते हैं विधानसभा इलेक्शन में बहुत सपोर्ट फैसिलिटी मिलती है और इस बार बहुत ज्यादा व्यवस्था हमने की है, अच्छा डिप्लॉयमेंट बना है। बस ऐसा कोई बात, ऐसी कोई बात ना हो जहां आपके आचरण की वजह से पता चला कि कोई पोलिंग पर्सनल गांव में दावतों में शरीक हो गया है। कास्टिंग और माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात हो रहे हैं, कोई भी बात छुपी नहीं रही, उत्कृष्ट कोटि का प्रदर्शन आपका अपेक्षित है। कोविड प्रोटोकॉल पालन करने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इस बार की जाएंगी, सारे आयोग से सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क सब आपके लिए उपलब्ध कराया जाए और आपको कोविड प्रोटोकॉल का स्वयं भी पालन कराना है, अपने सभी मतदाताओं से पालन कराना है और अच्छे वातावरण में करना है। हमारी उम्मीद है तीसरी लहर तब तक सबसाइड हो जाएगी, तो बिना कोई जिज्ञासा के आप इसमें कार्य करें। अपने पोलिंग एजेंट और सबके साथ सामंजस्य बढ़िया बनाना है, सूचना आदान प्रदान निरंतर रखना है, हर एक बारीकी को बारी बांधती समझना है। ऐसा नहीं कि पीठासीन अधिकारी पे छोड़ दिया या पीठासीन अधिकारी ने कोई तेज तरार P1 है तो उसके ऊपर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। पूरा टीम वर्क कार्य विभाजन स्पष्ट हो जाना चाहिए, वो आयोग और हम सब के प्रति के रूप में वहां तैनात हो रहे हैं, आपकी आप जहां जा रहे हैं वहां ऐसे ऐसे जाति करनी चाहिए कि ऐसी भी टीम निष्पक्ष रूप से चुनाव करे। बहुत सालों तक ये बात करते रहते हैं, एक बढ़िया इलेक्शन होके गया, 1000 से ज्यादा लोगों को मतदान अधिकार का प्रयोग करने के लिए आप हम व्यवस्था दें, कृपया करके इसको बड़ी बात की एहसास करें और कल से उस दिन हमें विजय मनाएं। कहीं एक जगह भी रिपोलिंग या किसी तरह की घटना हो गई तो पूरा जनपद कलंकित हो जाए। आपके लिए उपलब्ध रहेंगे निरंतर आपके सहयोग के लिए। मशीनें अगर कोई सुबह काम नहीं करती है किसी कारणवश, करीब 5-10% का है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं, सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास रहेगा, तुरंत वो आपको रिप्लेसमेंट मशीन उपलब्ध करा देंगे। लेकिन कभी कभी आपके गलत इस्तेमाल की वजह से मशीन खराब हो जाती है, प्रारंभ होने के पहले जो करने चाहिए वो जरूर अनिवार्य रूप से करना चाहिए, कोई भी कदम छूटना नहीं चाहिए। आपको ये सामग्री बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी तरह इसका अध्ययन अभी से कर लीजिए। सेकेंड ट्रेनिंग में आने के पहले हमें अपेक्षा करेंगे कि सभी लोग इसमें हो जाएंगे। सेकेंड ट्रेनिंग में हम आपका परफॉर्मेंस, आपका ज्ञान क्या रहेगा इसका भी मूल्यांकन करेंगे, उसमें उत्तीर्ण आपको फ्लाइंग कलर्स के साथ होना चाहिए।
ठीक है, अल्मारिया जो हमारे पोलिंग पर्सनल है उनका ट्रेनिंग स्टार्ट किया है और आगामी विधानसभा चुनाव में तकरीबन हमारे यहाँ 30,000 से 32,000 पोलिंग पर्सनल होंगे और उनका ट्रेनिंग आज से स्टार्ट किया गया। ये अगले 10 दिन तक चलेगा, जुबली इंटर कॉलेज में चल रहा है और 26 कमरों में हम लोग छोटे छोटे ग्रुप बना के कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए हमारे मास्टर ट्रेनर्स अभी जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या क्या जानकारी दी है? हाँ, इसमें जो जानकारी दी गई है, सबसे पहले तो जो इलेक्शन कमीशन द्वारा कोविड प्रोटोकॉल्स के जो प्रोटोकॉल्स आए हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। बाकी जो हमारे इलेक्शन कमीशन द्वारा गाइडलाइंस दी गई है वो सारी डिस्ट्रीब्यूट की गई है, स्टडी मटेरियल्स दिए गए हैं और PPT पे सारी प्रेजेंटेशन दी गई है और इसके अलावा जो वोटिंग मशीन है उसका पूरा डेमो दिया गया है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई है और इसमें सारे कर्मचारी ऑलमोस्ट प्रेजेंट हैं, लेकिन जो कर्मचारी जानबूझ के एब्सेंट हुए हैं उन पे हम लोग शाम तक FIR और फर्दर जो भी कार्रवाई है वो हम लोग करवाएंगे, जो भी विधिक कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी, किसी तरह का भी इनडिसिप्लिन जो है उसको स्वीकार नहीं किया जाए। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण का प्रशिक्षण आज प्रारंभ किया गया है, मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण हो गए हैं, अच्छी सामग्री का वितरण हो रहा है, प्रत्येक बैच को छोटे छोटे समूह में बुला के कमरों में प्रोजेक्टर के माध्यम से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि बहुत अच्छी दक्षता के साथ मतदान कर्मचारीगण इस चुनाव कार्य को सकुशल संपन्न कराएं। उच्च कोटि के प्रदर्शन करने की मंशा है, सभी की प्रतिभागिता अनिवार्य की गई है और कोशिश ये है कि मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से उनके सभी जिज्ञासाओं को सभी तरह की प्रश्नों को उत्तर दिया जाए, उसके पश्चात अंत में एक क्विज कंपटीशन भी होगा, वहाँ पे अच्छे कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा, सबका मनोबल भी बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण उसमें प्रतिभाग करते हुए स्वयं संवाद दो तरफा संवाद मतदान कर्मचारियों का कराएंगे और यही उद्देश्य है कि निष्पक्ष स्वतंत्र काम करने में उनको चेतना मिले।